नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सिमरित वधवा है और आज हम बात करने वाले हैं बेड रेस्ट आफ्टर IVF के बारे में। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो ये पूछते हैं कि मैम, अब हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया है, अब हमें प्रेगनेंसी में कब तक रेस्ट करना है, हम कब ऑफिस जा सकते हैं, हम घर के काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन मिथ है, लोगों को ये लगता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी IVF के द्वारा हुई है तो आपको पूरी प्रेगनेंसी में रेस्ट करना चाहिए। ये धारणा बिल्कुल गलत है। इसका आंसर देने के लिए मैं आपको दो पार्ट्स में इसको बताऊंगी कि पहला है इमीडिएटली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको क्या करना चाहिए और दूसरा रहेगा कि पूरी प्रेगनेंसी में आपको कैसे चलना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे इमीडिएटली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी कि भ्रूण प्रत्यारोपण के बाद में आपको क्या क्या करना चाहिए। तो जो भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाता है वो एंडोमेट्रियल कैविटी में किया जाता है। ये कहने को तो एंडोमेट्रियल कैविटी है पर ये एक पोटेंशियल स्पेस रहती है जिसमें ये नॉर्मली बंद ही रहती है। जब कैथेटर के द्वारा भ्रूण इस कैविटी में छोड़ा जाता है तो इस कैविटी को थोड़ा सा ये खुलती है और जैसे ही हम कैथेटर निकाल लेते हैं तो ये कैविटी फिर से बंद हो जाती है, यानी कि जो भ्रूण हमने जहाँ छोड़ा है वो वहीं पर रहेगा। तो ऐसे में इसके बाद आप तुरंत खड़े हो जाएं या तुरंत चले, आपका भ्रूण निकल के बाहर नहीं आ सकता। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपको भ्रूण प्रत्यारोपण किया गया है तो आपको एक दिन दो दिन बिस्तर में ही रहना है या हॉस्पिटल में ही रहना है। दूसरा रहता है कि इसका हम सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहे हैं, इस पर बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं जिसमें ये पाया गया है कि भ्रूण प्रत्यारोपण के बाद आप तुरंत अगर खड़े हो जाएं या चलें तो जो भ्रूण है उसकी जगह वहाँ से एंडोमेट्रियल कैविटी से चेंज नहीं होती है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ में तो ये भी पता चला है कि बेड रेस्ट जो है वो नेगेटिवली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के प्रोसीजर को अफेक्ट करता है, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट करें तो आपकी प्रेगनेंसी ना लगने के चांसेस भी होते हैं। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद रेस्ट करना है। अब हम बात करते हैं बाकी प्रेगनेंसी की। तो प्रेगनेंसी चाहे वो नॉर्मल तरीके से हो चाहे वो IVF से हो, वो प्रेगनेंसी जो है उसकी ग्रोथ नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही रहती है। IVF की प्रेगनेंसी में आपको एक्सक्लूसिव बेड रेस्ट करना है या कोई काम नहीं करने, ये धारणा बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। आपको जितना आप नॉर्मल चलते थे वो ज़रूर चलना है। आप अपने ऑफिस के जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं या घर के जो काम हैं वो आप सामान्य रूप से करेंगे। ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आपको कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ हो, जैसे कि कोई और बीमारी साथ में हो जैसे कि डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयड या ब्लड प्रेशर, तो इनको रहते जो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। बाकी आपको अपना नॉर्मल 20-30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करना चाहिए प्रेगनेंसी में। आपको एक हेल्दी डाइट का ध्यान रखना है जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और सारे न्यूट्रिएंट्स अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेंगे। दो दो घंटे में आपको खाना खाना है, प्रॉपर अपने आप को हाइड्रेट रखना है और आपको बहुत भारी सामान नहीं उठाना है और बहुत एक्सर्शन नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस विषय में और कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप एक्सपर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं। थैंक यू।